सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना संकट के चलते ऑनलाइन ही शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अमित कुमार खत्री अपने सभी शिक्षकों, गुरुजनों और उन सभी ऑनलाइन टीचर्स को, जिनसे मैं स्वयं इंस्पायर्ड हूं और मैं खुद भी उनके लेक्चर लेता हूं, उन सभी को प्रणाम। कहते हैं, माता प्रथम गुरु होती है और शिक्षक द्वितीय गुरु। इनकी महिमा अपरंपार है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर दास जी ने गुरु का महत्व भगवान से भी बढ़कर बताया है। कबीर जी के अनुसार भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े मिले तो मन में दुविधा उत्पन्न हो गई कि पहले किसका अभिवादन करें। लेकिन मैं भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने बता दिया कि गुरु का सम्मान पहले करो, गुरु का अभिवादन पहले करो। आज हम गुरु के इसी सम्मान में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 5 सितंबर 1962 से हुई थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात कही। यह सुनकर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा, मेरा जन्मदिन ही मनाना है तो आप इस दिन शिक्षक दिवस मनाएं, जिससे मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता और गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन्हें याद करने के साथ सभी शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः अपने शिक्षकों, गुरुजनों और ऑनलाइन टीचर्स को मेरा प्रणाम, आभार। शिक्षक के महत्व और सम्मान में और भी अधिक बातें की जा सकती है, लेकिन मैं अपनी बात को एक श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।